अगर आप दो कैमरे को साइड बाई साइड रख के पिक्चर लेंगे तो आपको दो जो इमेज मिलेंगे वो भी एकदम सेम नहीं होगा, उनमें से भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पर अगर हमारा आंखें भी ऐसे ही कैमरे की तरह ही काम करता है तो फिर भी हमको सिर्फ एक ही इमेज कैसे दिखाई देता है, दो अलग अलग इमेज क्यों नहीं दिखाई देता? तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो फिल्म है इसको बोला जाता है बाइनोकुलर सिंगल विजन। एक्चुअली में ये काम करता है हमारा ब्रेन। एक्चुअली हमारा जो दो आंखें हैं उससे हम दो अलग अलग इमेजेस ही देख सकते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो दो अलग अलग इमेज को एक साथ कंबाइन करके एक इमेज बना देता है। ये ब्रेन तीन प्रोसेस में कर सकता है, जिसमें एक होता है साइमल्टेनियस परसेप्शन, जहाँ पे शायद आप एक पक्षी को पिंजरे में देख रहे हैं तो हाई पॉसिबिलिटी है आपका एक आंख से आप सिर्फ पिंजरा देख रहे हो और दूसरे आंख से एक पक्षी को देख रहे हो। तो ब्रेन उन दोनों इमेज को मिला के उस पक्षी को उस पिंजरे के अंदर दिखाता है। नंबर टू होता है फ्यूजन, तो जहाँ पे आप दो इनकम्प्लीट पिक्चर देखते हो पर हमारा ब्रेन उसको फ्यूज करके एक कंप्लीट पिक्चर बना देता है। और नंबर थ्री होता है स्टीरियो ऑप्शन, जहाँ पे आप दोनों आंखों से अलग अलग करके डेप्थ को देखते हो पर हमारा जो ब्रेन है वो उन दोनों पिक्चर को फ्यूज करके एक सिंगल इमेज बना देता है, जिसके थ्रू आप एग्जैक्ट एक्यूरेट डेप्थ को परसीव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।